रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, ये रही हमारी वंदे भारत। तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज मैं हूँ स्टेशन हावड़ा पे और मैं मतलब बता नहीं सकता, यहाँ पे इतने लोगों की एक्साइटमेंट इतनी अच्छी खासी है। और ठीक मेरे पीछे 23 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली मैं हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेशन को इतने अच्छे तरीके से सजा रखा है, मैं पहले तो आपको वो दिखाऊंगा। ट्रेन, दोनों ही ट्रेन मैं कोशिश करूँगा कवर करने के लिए। और वहाँ पे हमारे सारे RPF लोग वहाँ पे हैं। ट्रेन मुझे लगता है, देखते हैं पहले कौन से आती है, शायद पटना वंदे भारत भी आ सकती है। और ये नहीं, लाइटिंग्स वगैरह हैं, सब कुछ है, इतना प्रॉपर डेकोरेटेड कर रखा है हावड़ा स्टाफ ने ना, मैं बता नहीं सकता। 10 out of 10 रेटिंग है। ये देखो, मतलब दोनों स्टेशन, मुझे लगता है कि जो रेलवे के बोर्ड्स अधिकारी वगैरह हैं वो यहाँ पर आए। ये दोनों का टाइम जो है 1 घंटे के आसपास डिफरेंस है, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ और मेरे पीछे भी, मैं भी आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ, प्रेजेंट करेंगे। ऐसा कुछ इस तरीके का बना रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों, कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है। 24 सितंबर है 2023 तारीख, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं माननीय मंत्री जी के नाम पे ये सजाया है। अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है हम लोगों को। और ये काका हमारे यहाँ पे टेप लगाने, काका कैसा लग रहा है आज वंदे भारत का इनॉग्रल करने? अच्छा लग रहा है? चाचा भी बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, चलो अच्छी बात है। और ये इनकी मेहनत ही सब कुछ है, देखो गाइस किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, टेप वगैरह लगा रहे हैं। और ये मेडिकल बूथ भी बनाया गया है। लास्ट 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ और सिर्फ वंदे भारत के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं व्हील चेयर लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा मेरे को ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, कि अगर कोई भी परेशानी होती है जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उस वंदे भारत में, तो वो लोग यहाँ पे अपना चेकअप वगैरह जो भी है वो यहाँ पे करा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगा, पता नहीं चला है कि कब तक आएगी ट्रेन। पटना से ये ट्रेन करीब करीब 12:30 बजे करीब निकल गई थी। और ये भी कुछ रेल्स फैंस आए हुए हैं, अभी तक भी इसका कोई आने का टाइम नहीं हुआ, आज फर्स्ट डे इनॉग्रल है। ये भी वंदे भारत देखने के लिए आए, शायद हो सकता है उस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूँ। भाई वंदे भारत देखनी है तुमको भी? भाई वंदे भारत देखनी है? वंदे भारत यार यही सीन देखने को अच्छा ही लगता है बस, कि वहाँ पे देखो कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं मतलब देखने के लिए ये। और अभी सच में यहाँ पे ना RPF किसी को भी अलाउ नहीं कर रही आने के लिए, भी जो है किसी का भी मतलब विद इन 1 आवर। अगर आप टाइमिंग बताऊँ, टाइमिंग देख सकते हैं, 9:14 हो रहे हैं। इस वाले प्लेटफॉर्म पे ना रांची हावड़ा देगा और उस वाले पे पटना हावड़ा, मतलब वो 22 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये 23 नंबर प्लेटफॉर्म है। भाई बोर हो गया था बुरी तरीके से, फिर ये वाली दुकान से ना ये मैंने कॉफी ली, एक पड़ी है 10 रुपए की। हावड़ा का रांची स्टोले से 17 का चीज स्टेशन का चले से छे और संगे ट्रेन के बहुत पूरे लगो ट्रेन को छोड़ आगे आप अगर आना का जाने दो। ये आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुन ली होगी, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 23 नंबर प्लेटफॉर्म में घूम रहे, रांची वंदे भारत पहले लगाई जा रही है पटना से भी पहले, फाइनली इस वाले प्लेटफॉर्म पे 23 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और भीड़ देखिए आप, SDM SRO सब लोग, हर कोई ऐसा। और ये रही हमारी रांची हावड़ा वंदे भारत की तरफ जाता हुआ, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस फाइनली स्टेशन पे अराइव करती हुई। और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल को अपनी 3री वंदे भारत मिलती हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद ये 3री ही है। ये रही हमारी वंदे भारत। कैमरे में इस मोमेंट को कैप्चर कर रहा है। और ये देखिए रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस।
सा मैं आप लोगों को इसके अंदर का दिखा दूं। अगर मैं इसके थोड़ी सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, सो यहाँ पे दिया रहा है 3x2, 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। ट्रेन आज इसका इनॉग्रल ट्रेन था यार, सच में जो एक्साइटमेंट अंदर बैठ के हो रही है ना, आप तभी फील कर पाओगे जब इसमें ट्रेवल करोगे। चलो इसके वॉशरूम में आपको शो करता हूँ। ऑटोमेटिक डोर, ये देखो हमारे आने से पहले ही इसको ओपन कर दिया यार, ये सही है। चलो इसका एक बार देख लेते हैं। रियलिटी में देखा है ना मैंने वीडियो में, उससे बहुत डिफरेंट है। मैं इसका वॉशरूम भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, नीट एंड क्लीन दिया हुआ है। यहाँ पे पकड़ने के लिए भी है, जो आप सीनियर सिटीजन होते हैं एक्चुअली वो थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे शॉप देख ले, अभी तो है गिर रहा है। इवन दो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन लोगों के भी दिया हुआ है सोप डिस्पेंसरी। और यही कुछ है यार, एकदम नीट एंड क्लीन। हैंड ड्रायर चल रहा है यार, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं मतलब नेक्स्ट लेवल है। लगभग ये ट्रेन अपने समय से 12:30 या 1 बजे करीब निकली थी और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं। मेरे को जितना अच्छे तरीके से याद है, मैं लास्ट 4.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ इस ट्रेन का। 12:30 जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था अराउंड 1 बजे करीब, तो ये बीच में भी बहुत हॉल्ट्स पे रुकी होगी, क्योंकि ये साधारण आज क्योंकि इसका इनॉग्रल रन था उसकी वजह से सिर्फ रात थोड़ा इसका ज्यादा स्टॉपेज था। और ये रहे शायद लोको पायलट सर, कैसा लगा आपको? अच्छा बढ़िया। चलो तो ये रहा, मैं आपको पूरा टूर देना चाहूंगा इसलिए मैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इस वजह से। तो ये रहा E1 कोच, टोटल कंपोजिशन कोच की बात करूं तो इसके कोचेस कम है, 7 या 8 कोचेस हैं, करीब 8 ही कोचेस इसको दिए गए हैं। मे बी शायद आज इनॉग्रल रन है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन भाई क्या मतलब, क्या इस ट्रेन है ना, ये हाहाकार ट्रेन है एकदम, मजा आया इसको देखने में, मेरे को दिल खुश हो गया। रांची से हावड़ा के लिए ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन अब बन गई है। और ये रहा इसका लुक यार, मतलब एकदम कादिलाना लुक है एकदम, जिसे बोलते हैं। ये इसका कुछ इंजनलेस गाड़ी है, तो ये इसका ड्राइवर बैक साइड वाला है, फ्रंट तो ये था। यहाँ पे लोको पायलट शायद कुछ चेक वगैरह भी कर रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट काफी सही है वंदे भारत की। हॉटकेस भी दिया हुआ है अलग अलग तरीके का, जैसे कि 2 इसमें हॉटकेस दिए हुए हैं। नज़ारा काफी मेरे को डिफरेंट लगा यहाँ का। और ये मैं जिस कोच में हूँ वो है लास्ट कोच, इस ट्रेन डोर्स बंद भी हो सकते हैं। क्या हुआ, अच्छा लग रहा है, भारतीय रेल आपका स्वागत करता है। इसमें सच में सपना है चढ़ने का, पता नहीं वो कब पूरा होगा, मगर लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा मेरा। और एक दिन क्या पता मैं भी इस वंदे भारत में जरूर चढ़ूंगा, जिस दिन भी चढ़ूंगा ना टूर आप लोगों के नाम होगा, वो पूरी जर्नी आप लोगों के नाम होगी। गर्मी का माहौल हो रहा है और इन सर ने मेरी फोटो भी खींच दी है। मेरे पटना का कुछ पता नहीं चल रहा है कि पटना का पैराई होगी, मेरे को लग रहा है उसका भी वो भी आ रही है, उसका आवाज़ तो सुनाई दिया मेरे को, नहीं दी मेरे को, और मेरे को लग भी रहा है उसके रिफ्लेक्शन से एक और कुछ भी हो सकता है वैसे। बाय द वे